फिलहाल हमारे साथ जिन्होंने टॉप किया है, इनका नाम ईशांत कुमार है, और मैं इनसे ही कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारियां की और किस प्रकार से इस मुकाम को हासिल करने में इन्होंने प्रयास किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईशांत कुमार है और मेरे तरफ से आपको धन्यवाद सर। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंड के जमोढ़ी गाँव में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये समोसा का दुकान है, और इन्हीं का एक बेटे हैं जो समोसा के दुकान चलाते हुए भी वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने पंचायत का और अपने गांव का साथ ही साथ विक्रमगंज प्रखंड का भी नाम रोशन किया है। हाल मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ उसके बारे में जानकारी देते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर महेंद्र सिंह। अच्छा, आज आपके बेटे ने एक नया ही कीर्तिमान स्थापित किया है एक अच्छे मुकाम को हासिल करके। जी, वो अपने मेहनत और लगन से हासिल किया है, साथ में कुछ अपने टीचर्स लोग सहयोग किए हैं, ट्यूशन मास्टर सहयोग किए हैं, उसके बदौलत वो यानी उस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से करते थे वो? शुरू से टीचर लोग भी सहयोग देते गए कि बच्चा अच्छा पढ़ने में है, ये है, अपना सहयोग मिलता गया, वो आगे बढ़ता गया। अच्छा, दुकान उकान भी चलाते थे आपके बेटे? कभी ऐसा आवश्यकता भीड़ जैसा हो गया तो ही दो चार पाँच मिनट के लिए बुला लेते थे, बस उसके बाद मतलब में मदद करते थे। यस, हाँ। आप समझ सकते हैं कि जो मेहनत के बदौलत इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, और काफ़ी ही संघर्ष करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी गरीबी को झेलते हुए इस बच्चे ने अपने पंचायत और गाँव का नाम रोशन किया है। मैट्रिक का रिजल्ट अभी जारी हो चुका है, और मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद एक हमारे गांव के छात्र हैं जिन्होंने अच्छा खासा अपना प्रदर्शन दिखाया है और 458 नंबर ला करके अपने पंचायत और अपने गांव साथ ही साथ प्रखंड में द्वितीय स्थान ला करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इनसे जानने का कुछ प्रयास करूंगा, साथ ही साथ मैं तमाम तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा हासिल किया और किस प्रकार से कठिनाई को गरीबी को झेलते हुए इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये उनके माताजी हैं और उनके पिताजी हैं और उनके गुरुजी हैं। मैं बारी बारी से तमाम तरह की जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। इनके माता जी हैं जी। आज आपके बेटे ने जैसा कि 458 अंक ला करके विक्रमगंज प्रखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो किस प्रकार से खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत बहुत सारा खुशी है मेरे को। किस प्रकार से तैयारी करते थे ये? ये तो अपना सब काम धंधा करते हुए भी तैयारी कर रहे थे। अच्छा, पढ़ाई के लिए मतलब घर परिवार वालों को कितना मतलब प्रयास रहा इनके पढ़ाई के? सहयोग तो सबका पूरा था, अब उसमें अपना काम करते हुए भी अपना पढ़ाई कर रहे थे। किसान हैं या फिर क्या कुछ, किस तरह से जीवन यापन होता है? जी, हम लोग किसान भी है, दुकान भी है। दुकान भी है जी, नाश्ता का दुकान है।